हिंगलाज माता का मंदिर अत्यंत रहस्यों से भरा हुआ है। पाकिस्तान के लजबेला में अरब सागर से छूकर निकलता 150 किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान, बगल में 1000 फीट ऊंचे रेतीले पहाड़ों से गुजरती नदी, बाई और दुनिया का सबसे विशाल ज्वालामुखी, जंगलों के बीच दूर तक परसा सन्नाटा, और इस सन्नाटे के बीच में आती है आवाज जय माता दी। उन्हीं रास्तों में धरती पर देवी माता का पहला स्थान माने जाने वाला पाकिस्तान स्थित एकमात्र शक्तिपीठ हिंगलाज मंदिर है। करीब 2 लाख साल पहले इस मंदिर में पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि में गरबा से लेकर कन्या भोज तक सब होता है। देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज मंदिर में नवरात्रि का जश्न करीब करीब भारत जैसा ही होता है। कई बार इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मंदिर पाकिस्तान में है या भारत में। हिंगलाज मंदिर जिस स्थान में है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू बाहुल्य इलाकों में से एक है। पूरी नवरात्रि यहाँ 3 किलोमीटर में मेला लगता है। दर्शन के लिए आने वाली महिलाएं गरबा नृत्य करती हैं, पूजा हवन होता है, कन्याएं खिलाई जाती है, माँ के भजनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कुल मिलाकर हर वो आस्था देखने को मिलती है जो भारत में नवरात्रि पूजा के दौरान होती है। नवरात्रि में तो जाती है साल भर के खर्चे के बराबर कमाई। दोस्तों, हिंगलाज मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ के लोग अपने साल भर के खर्चे के बराबर कमा लेते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी श्री गोपाल गिरी जी का कहना है कि नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं दिखता। कई बार पुजारी सेवक मुस्लिम टोपी पहने दिखते हैं तो वहीं मुस्लिम भाई देवी माँ की पूजा के दौरान वहाँ साथ खड़े मिलते हैं। इनमें से अधिकतर बलूचिस्तान सिंध के होते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। करीब 100 से 25 हज़ार भक्त रोज माता के दर्शन करने हिंगला जाते हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटिश, बांग्लादेश, पाकिस्तान के आसपास के प्रमुख देश हैं। चूंकि हिंगलाज मंदिर को मुस्लिम नानी बीबी की हज या परवी के तौर पर मानते हैं, इसलिए पीरगाह पर अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों के लोग भी आते हैं। शिवजी की पत्नी माता सती का सिर काटकर गिरने से बना था हिंगलाज हिंदू मंदिर। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक सती के पिता राजा दक्ष अपनी बेटी का विवाह भगवान शंकर से होने में खुश नहीं थे, क्योंकि दक्ष ने बेटे का बहुत अपमान किया था। इससे दुखी सती ने खुद को हवन कुंड में जला डाला। यह देखकर भगवान शंकर के गण ने राजा दक्ष का वध कर दिया। घटना की खबर पाते ही शंकर जी दक्ष के घर पहुंचे, फिर सती के शव को कंधे पर उठाकर क्रोध से नृत्य करने लगे। शंकर जी को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन 51 जगहों को देवी के शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। टुकड़ों में से सती के शरीर का पहला हिस्सा यानी किरदर पहाड़ी पर गिरा था, जिसे आज हिंगलाज के नाम से जानते हैं। इससे पहले हिस्से यानी सिर के चलते पाकिस्तान हिंगलाज मंदिर को धरती माता का पहला स्थान मानता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में हजारों अरबों का सोना गड़ा हुआ है। ये बात सत्य है या झूठ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि हिंगलाज माता का चमत्कार सच में चौंका देने वाला है।